वेलकम टू एड्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैनल है अभी सुपर गेस्ट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज को लगातार चला रहा है, बिकॉज बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया है। जो अकाउंटिंग का पेपर है वो भी बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी वो अकाउंट्स का पेपर आपका एग्जामिनेशन में आएगा, उसका डेट लगभग बहुत करीब आ गया है। उसी क्रम में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बिहार बोर्ड से काफ़ी बिहार बोर्ड के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन सब के लिए स्पेशलाइज्ड तरीके से इट मीन्स क्वेश्चंस को कलेक्ट करके उसका समराइज्ड वे में आंसर तैयार करके इजी तरीके से आंसर्स को हम लोग परोसने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे तरीके से जाए। उसी क्रम में आज का जो अगला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अंडर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, अंडर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन उठ कर आ सकता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो इस्तेमाल होता है उसके बारे में कौन से सेक्शन में बात कहा गया, तो सेक्शन 52 अंडर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत। आइए, तो हम लोगों ने कहा था लास्ट कुछ दिन पहले के क्लास में मैंने कहा हुआ था कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम वह अमाउंट होता है जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को फेस वैल्यू से अधिक कीमत पर जारी करता है, तो वो जो डिफरेंस है एक्सेस अमाउंट वो कहलाता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। वो जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है कंपनी के लिए कैपिटल नेचर का इनकम है। ध्यान दीजिएगा, मेरी हर एक बात आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकती है। जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। तो बताया गया कि उस सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के अमाउंट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए उसको हम लोग थोड़ा डील करते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम में प्राप्त किया गया अमाउंट यूज हो सकता है इन राइटिंग ऑफ द प्रीमियम एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। कंपनी का अगर कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है तो उसको राइट ऑफ करने में इस अमाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन राइटिंग ऑफ द शेयर डिस्काउंट और शेयर एक्सपेंस, अगर शेयर डिस्काउंट है या शेयर एक्सपेंसेस का कोई अमाउंट बैलेंस शीट के एसेट्स में पड़ा हुआ है फिक्टिशियस एसेट के रूप में, तो इसको भी राइट ऑफ करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है, इन इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, अगर कंपनी फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स जारी करना चाहता है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट है, इन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, अगर आप प्रिफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं तो रिडीम करते वक्त आप जो प्रीमियम का अमाउंट पे करते हैं उस अमाउंट को, अगर आप उस अमाउंट को पे करना चाहते हैं तो उस समय आप सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फॉर बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स, अगर कंपनी अपने ही शेयर्स को बायबैक करना चाहता है मार्केट से तो उसमें उसके लिए वह सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स थे जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने डील किया कि सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट का इस्तेमाल कहां कहां कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा। स्पेशली मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहा है तो काइंडली अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, स्पेशली वैसे फ्रेंड्स के साथ जिनकी पूरे साल की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है, ताकि उनका पेपर में बैक ना लगे, उनको कोई क्रॉस ना लगे, वो फेल ना करें, कम से कम वो अच्छे तरीके से पास कर जाएं, ताकि उनका एक पूरा का पूरा साल बच जाए। खैर, जो भी हो, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के इतना ही, ऑल द बेस्ट, जय माता दी, थैंक यू वेरी मच।